के हेल्थ बनाने के लिए मेहनत लगती है लेकिन डिप्रेशन डिजीज अपने आप आ जाती है। पीसफुल रहने के लिए मेहनत लगती है लेकिन एंगर अपने आप आ जाता है। पॉजिटिव थॉट के लिए स्टडी करनी पड़ती है और नेगेटिव थॉट अपने आप आ जाती है। प्रोएक्टिव रहने के लिए मेहनत लगती है एंड प्रोक्रास्टिनेशन अपने आप आ जाता है। क्या आपने कभी देखा है, इस तरह की कोई किताब देखी है जिस किताब में लिखा हुआ हो किस तरीके से अपने गुस्से को भड़काए? लेकिन जब भी आप इंग्लिश को सीखें, आपको इन्वायरमेंट देखना है कि हमें इन्वायरमेंट कैसा मिला है। कभी भी बंद कमरे में बैठ के आप ना सीखें, आपके पास कोई ना कोई आपको देख रहा होना चाहिए, आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मी, किसी ना किसी की नज़र आपके ऊपर ज़रूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप बंद कमरे में बैठेंगे तो मोबाइल आपके पास होगा, एक हाथ में किताब होगी, एक हाथ में मोबाइल होगा, आपके दो मन हो जाएंगे। एक मन कहेगा मोबाइल उठा लें, हो सकता है व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आया हो, है ना, या मैनी एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं, है ना, मैनी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। एक मन कहेगा भाई थोड़ा सा पढ़ना भी है, किताब उठा लें। फिर दूसरा मन कहेगा नहीं नहीं मोबाइल ज़रूरी है, पहले थोड़ी देर यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद हमारे घंटे निकल जाते हैं। मैनी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक करते हैं लेकिन बुक को फेस नहीं करते। ऊपर वाले ने, अल्लाह ने हमारे माइंड को, दिमाग को जो डिज़ाइन किया है ना, वो इस तरह से किया है कि हम नेगेटिविटी चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। नेगेटिविटी चीज़ों को ये हमारा माइंड कैप्चर ज़्यादा करता है। फॉर एग्जांपल अपने आसपास देख लीजिए कि हेल्थ बनाने के लिए मेहनत लगती है लेकिन डिप्रेशन डिजीज़ अपने आप आ जाती है ना। पीसफुल रहने के लिए मेहनत लगती है लेकिन एंगर अपने आप आ जाता है। पॉजिटिव थॉट के लिए स्टडी करनी पड़ती है और नेगेटिव थॉट अपने आप आ जाती है। प्रोएक्टिव रहने के लिए मेहनत लगती है एंड प्रोक्रास्टिनेशन अपने आप आ जाता है। नॉर्मल होने के लिए मेहनत लगती है, एंग्जाइटी अपने आप आ जाती है। क्या आपने कभी देखा है, इस तरह की कोई किताब देखी है जिस किताब में लिखा हुआ हो कि टू गेट वेरी फास्ट एंग्री, किस तरीके से अपने गुस्से को भड़काए? क्या आपने कभी कोई ऐसी किताब देखी है कि किस तरीके से गाली गलौज दे, सेवन स्टेप्स हियर, कि किस तरीके से हम दूसरों को गाली गलौज कर सकते हैं, दूसरों को बुरा भला कह सकते हैं? क्या इस तरह की किताब आपने देखी है? क्या आपने कभी देखा है कि डिप्रेशन को कैसे इंक्रीज करें, कैसे झूठ बोलने को इम्प्रूव करें, इस तरह की कोई किताब देखी है? देर इज़ नो अवेलेबल एनी बुक। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ऑलरेडी कुदरत ने नेचुरली ऐसा ही बनाया है कि इस सब चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें अपना आ जाती है, नेचुरली सीख जाता है हमारा माइंड। हाँ, इस तरह की बुक ज़रूर मिलेंगी, किस तरीके से अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल करना है, किस तरीके से हमें अच्छे तरीके से स्टडी करनी है, किस तरीके से हमें एंग्जाइटी से बाहर निकलना है, डिप्रेशन से बाहर निकलना है, इस तरह की बुक आप बहुत ज़्यादा देख लेंगे मार्केट में, जो आपको मिल जाएंगी। एंड इफ़ एनीबडी विल कम हियर एंड टोल यू लाइक दिस, ओके यू कान डू इट, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप उसकी बात को बहुत जल्दी से मान लेंगे कि हाँ आप सही कह रहे हैं, यस मैं कुछ नहीं कर सकता। उससे आप कोई सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, उसकी आप एबिलिटी को नहीं देखेंगे, उसकी एजुकेशन को नहीं देखेंगे, उसकी कोई डिग्री है उसके पास है या नहीं है ये चीज़ नहीं देखेंगे। लेकिन अगर कोई आपसे कहे यस यू कैन डू इट, आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, उसके लिए आप बोलेंगे भाई आपने क्या उखाड़ा अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा सा हमें तो बताओ। उसके लिए आपको अब सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो नेगेटिविटी को एकदम कैप्चर करता है, चीज़ों को कैप्चर करता है। अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को ऐसे ही डिज़ाइन किया है। How are you? Yes, sir. Are you good? Yes.